के साथ मैं हूं ललित प्रजापति। कुछ वक्त, कुछ घंटों का वक्त और फिर लोकसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, खटाखट खटाखट खटाखट। लेकिन नतीजों से पहले सियासी माहौल गर्म है। एग्जिट पोल ने भी सियासी माहौल को मानो तपा दिया है। जीत को लेकर बीजेपी और विपक्ष दोनों के अपने अपने वादे हैं, दावे हैं, और वो दोनों इन पर अडिग हैं। लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो है एग्जिट पोल की ट्रिपल थ्योरी। बहुत बारीक बातें हैं और आपको ये बातें जान लेनी चाहिए। इन बारीक बातों का पता आपको होना चाहिए। चुनाव सिर्फ हार और जीत का मतलब नहीं है। चुनाव के पीछे जब हार और जीत होती है या जिस तरीके से परिणाम आते हैं उसके प्रभाव पड़ते हैं, राजनेताओं पर प्रभाव पड़ते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि राजनीतिक अस्तित्व, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का राजनीतिक अस्तित्व इस चुनाव में लगा हुआ है। इसके अलावा भी कई और समीकरण हैं, कई तब्दीलियां हुई हैं। रिजल्ट के हिसाब से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो सबसे ज्यादा पेंचदार। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट, बीते चुनाव में 28 सीटों पर बीजेपी की जीत, एक सीट कांग्रेस के खाते में गई। लेकिन इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। कांग्रेस इस बार बीते चुनाव से अच्छा प्रदर्शन करने की बात कर रही है। एग्जिट पोल के बाद से कांग्रेस मानो तिलमिलाई हुई है। एग्जिट पोल में जो अनुमान बताए गए वो कांग्रेस को पसंद नहीं आए हैं, लिहाजा सवाल भी उठाए जा रहे हैं, मायने तलाशे जा रहे हैं। काउंटिंग की तैयारी हर पल भारी, हार जीत का अनुमान कांग्रेस क्यों परेशान। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। मामला मोदीमय है, सुनामी है मोदी की, और इस मोदी की सुनामी के सामने कोई भी देशद्रोही टिक नहीं पाए। कल वोटों की गिनती, तैयार है रणनीति। इस प्रचंड विजय का उत्सव भी, जश्न भी प्रचंड होगा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यालयों में। पूरे प्रदेश की मतगणना पर नजर रखेंगे, एक एक काउंटिंग प्लेस जो तो जिला मुख्यालय पर है वहाँ भी हमारे लोग मौजूद रहेंगे। ईवीएम खुलेगी, किसकी किस्मत चमकेगी। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट, और देश में अब की बार 400 बार फिर से मोदी सर। एग्जिट पोल की ट्रिपल थ्योरी, कौन किस पर पड़ेगा भारी। और अब सबसे पहले आपको एग्जिट पोल में क्या अनुमान बताया गया वो आपको बता देते हैं। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीट मिलती है उसे हम आपको समझा देते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से इसे समझ लीजिए। बीजेपी को सीट बताई जा रही है 26 से 29, अगर ये स्थिति बनती 29 वाली क्लीन स्वीप। कांग्रेस को 0 से 3 बताया जा रहा है, अगर 3 तक कांग्रेस पहुंचती है, 1, 2, 3 तक कांग्रेस पहुंचती है, बड़े इसके मायने होंगे दोनों राजनीतिक दलों के लिए। अदर्स के खाते में कुछ भी नहीं दिखाया गया है। यह मेगा एग्जिट पोल मध्य प्रदेश के लिहाज से कह रहा है। एग्जिट पोल के अनुमान को आपको और सरल भाषा में समझाते हैं। एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक हमने एक ट्रिपल थ्योरी बनाई है। मध्य प्रदेश में हार जीत को लेकर दरअसल 3 अनुमान लगाए गए हैं। पहला अनुमान क्या है वो हम आपको बता देते हैं। पहले अनुमान की बात कर ली जाए, बीजेपी 28 कांग्रेस 1, अदर्स के खाते में कुछ भी नहीं। यह कौन सी स्थिति है? यह स्थिति ठीक पिछले चुनाव की। एक सीट जो कांग्रेस के खाते में है वो है छिंदवाड़ा। यह पहला अनुमान है। अब दूसरे अनुमान की बात की जाए कि दूसरा अनुमान क्या हो सकता है। दूसरा अनुमान यह कि बीजेपी 29 कर ले, कांग्रेस 0-0, अदर्स के खाते में 0, यानी क्लीन स्वीप जिसका दावा किया जा रहा है। एग्जिट पोल में जिस तरह की बातें निकल कर आई उसका दूसरा अनुमान यह 29-0, इसका क्या असर पड़ेगा। अब बात कर ली जाए जरा तीसरे अनुमान की। तीसरा अनुमान क्या के 26 के पास लटक जाए बीजेपी, अटक जाए, 3 कांग्रेस के खाते में चली जाए, तब क्या होगा? तब दोनों राजनीतिक दलों के किन नेताओं का भविष्य इधर और उधर हो सकता है। ये 3 अनुमान, यही ट्रिपल थ्योरी, इसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। एग्जिट पोल में हमने आपको बताया, उसके बाद मध्य प्रदेश में हार जीत के लेकर अनुमान भी आपको बता दिए।
अगर नतीजे इन तीन अनुमानों के इर्द गिर्द रहते तो मध्य प्रदेश की सियासत कैसी होगी, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवालों पर नजर डालते हैं और उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द खास मेहमानों से चर्चा भी होगी। सवाल आपके सामने ये, क्लीन स्वीप हुआ तो बीजेपी में श्रेय किसको जाएगा? कई बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, डॉक्टर यादव को कमान मिल गई है। इसके अलावा डॉक्टर यादव को कमान के साथ साथ बीडी कैलाश विजयवर्गीय, इन्होंने मोर्चा संभाला है। अब छिंदवाड़ा में अगर बीजेपी की जीत हुई तो मायने क्या है? जिन्होंने बीजेपी में काम किया उन्हें तो बहुत तारीफ मिलेगी, कमलनाथ का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल रह जाएगा। अब एक और सवाल, नाथ परिवार के राजनीतिक करियर और उसके आगे एक प्रश्न चिन्ह, अगर ये स्थितियां होती हैं तो कांग्रेस को अगर 3 सीटें मिल जाएं जिस तरह की बात कही जा रही है, तब किस तरह की स्थितियां बनेंगी, वो भी कई सारे सवाल उसमें पैदा होते हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस जीती तो नाथ का कद जाहिर तौर पर गढ़ के तौर पर जाना जाता है, तड़प रही है बीजेपी, तड़प शब्द का इस्तेमाल किया गया, बीजेपी वहां पर तड़प रही है। तो 28 सीट, 1 सीट, नाथ का कद बढ़ेगा, क्या फिर से राष्ट्रीय राजनीति में कमलनाथ एक्टिव नजर आएंगे, नकुलनाथ एक्टिव नजर आएंगे? कमलनाथ के चुनाव प्रबंधन की चर्चा होगी, जिस तरीके का चुनाव, ये पूरा चुनाव जो छिंदवाड़ा करा है, कमलनाथ बनाम बीजेपी, कमलनाथ इंडिविजुअल बनाम एक संगठन, सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन, राष्ट्रीय राजनीति में वो एक्टिव हो सकते हैं कमलनाथ, अगर वो छिंदवाड़ा को बचा पाते हैं तो। ये हम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। अगर अब कांग्रेस को 3 सीटें मिल जाएं, जिस तरह से 0 से 3 के आंकड़े बताए जा रहे हैं, तब क्या स्थितियां बन रही, फटाफट वो जान लीजिए। कांग्रेस को 3 सीटें मिली तो एक नई उम्मीद, और जो नए जिम्मेदारियां दी गई हैं, जीतू पटवारी को नई जिम्मेदारी दी गई है, उमंग सिंघार को नई जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या उनका कद बढ़ेगा? और अगर वो 3 सीट जिनकी चर्चा हो रही, तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, कौन कौन सी वो सीटें हो सकती हैं जिनको लेकर लगातार ये चर्चा चल रही कि भाई इन जगहों पर कांग्रेस माइलेज ले सकती है। 3 सीटें अगर कांग्रेस को मिलती है तो बीजेपी नेताओं की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर चर्चा शुरू हो जाएगी। अगर 26-3 हो गया तो, 26-3 हो गया तो बीजेपी नेताओं की परफॉर्मेंस, इसे लेकर सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, यह मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी भी मध्य प्रदेश की राजनीति में बहनें सबसे बड़ा फैक्टर है, और बहनें भैया को और भांजियां मामा को भूली नहीं है, राजनीतिक तब्दीलियां। इसी वजह से मैंने कहा कि ये जो परिणाम होंगे इन्हें सिर्फ हार जीत से मत देखिए, कई मायने इन परिणामों के निकल कर आने वाले हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रदीप जोशी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर स्वागत आपका। शरद जोशी राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। रविंद्र रुबे वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम ट्रिपल थ्योरी को लेकर एक चर्चा कर रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं, 26-3 वाली स्थितियां बनती हैं, तो किस तरह राजनेताओं के भविष्य पर यह असर डालेगा। प्रदीप जोशी सर, सबसे पहले आपके पास, अगर छिंदवाड़ा का गढ़ कांग्रेस ने बचा लिया तो कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं पर क्या इफेक्ट, बहुत शॉर्ट में सर? देखिए ललित जी, छिंदवाड़ा जो है वो कांग्रेस की एक बड़ी उम्मीद है, और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में 29वां कमल खिलाने की पूरी कोशिश में थी, और भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा में बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है। कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े कद के नेता वहाँ पर लंबे समय डटे रहे और काफ़ी तोड़फोड़ भी की, और कमलनाथ कैंप को भी उन्होंने तहस नहस करने की कोशिश की थी, और काफ़ी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कमलनाथ गुट से जो जुड़े हुए थे काफ़ी पुराने लोग थे, और दीपक सक्सेना जैसे लोग भी आए हैं। मतलब हर हाल में उन्हें छिंदवाड़ा जो है वहाँ पर कमल खिलाना है, और कमलनाथ
को शिकस्त देना है, ये बड़ा वो था। अब इसमें दो अग्नि परीक्षा है, कमलनाथ जी की भी अग्नि परीक्षा है कि उनका अंतिम, ये उन्होंने इमोशनल कार्ड भी खेला था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और इसी आधार पर उन्होंने अपनी 40 साल की राजनीतिक सेवाओं का प्रतिफल जनता से मांगा था। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की मेहनत कितना रंग लाती है और कमलनाथ जी का अपना खुद का अपना पर्सनल वजूद जो है वो कितना असर दिखाता है इस सीट के ऊपर। जी जी, ये बात सही है। गिरिराज से लेकर वीडी शर्मा से लेकर और कैलाश विजयवर्गीय तक ने यहां पर बल्लेबाजी की कोशिश की, बयान भी लगातार बदलते रहे। शरद जोशी सर, एक स्थिति यह भी कि चलिए बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर लिया 29-0, क्या असर कांग्रेस की नई की जो नए नेता उन पर, और क्या असर बीजेपी के पुराने नेताओं पर या जिन पर अभी जिम्मेदारियां हैं? शरद सर, चलिए इस सवाल को लेकर बाद में फिर शरद जोशी जी के पास जाएंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है। रविंद्र दुबे साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, उनसे इस सवाल को ले लेते हैं। रविंद्र दुबे सर, 29-0, चलिए ये आ गया, क्लीन स्वीप आ गया, क्या असर बीजेपी के नेताओं पर, क्या असर कांग्रेस के नेताओं पर? जी प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा देह है, जब से भारतीय जनता पार्टी की 2003 में मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि उसे छिंदवाड़ा चाहिए। पहले प्रहलाद पटेल जी को वहां से चुनाव लड़वाया गया, तब से लगातार उन्होंने उसको टारगेटेड सेट किया हुआ है कि वो चाहिए। यदि इस चुनाव में वो सीट को जीत लेती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि ये आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस उस चुनाव में आम चुनाव में नहीं हारी, एकमात्र चुनाव उपचुनाव में हारी है और उसमें भी सत्यलाल पटवा को मैदान में उतारना पड़ा था। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा धक्का होगा, कमलनाथ के लिए सबसे बड़ा धक्का होगा, उनके राजनीतिक करियर पर सवाल खड़े होंगे कि अब उनके भविष्य का क्या होगा। देखिए, वो इतने सीनियर है लेकिन नकुलनाथ का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। सब जानते हैं कि नकुलनाथ उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से कमलनाथ की छवि क्षेत्र में या छिंदवाड़ा में पहचाने जाते हैं। तो नकुलनाथ के लोकल लेकर भी जो नाराजगी है, वो जो लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए उसकी वजह भी नकुलनाथ है। तो नकुलनाथ वो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। हाँ। तो कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ा असर पड़ने वाला, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कद बढ़ जाएगा, उनकी पीठ थपथपाई जाएगी, राष्ट्रीय स्तर पर बताया जाएगा कि जो आजादी से लेकर आज तक कभी कांग्रेस सीट नहीं हारी थी वो सीट भी हमने छुड़ा ली। और सबसे बड़ी बात है 29-0 करना, 29-0 यदि होता है तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, जो मध्य प्रदेश में कभी आज तक कांग्रेस अभी ऐसा कभी नहीं आ रही, हमें एक या दो सीट कांग्रेस ने जीती है, ये पहली बार होगा कि यहाँ 29 सीट उसके यहाँ से चली जाएगी। तो ये कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व पर भी सवाल उठेंगे, जो नए नेतृत्व को दिया है, युवा नेतृत्व को दिया है, उन्हें नए तरीके से कार्यकारिणी बनाना पड़ेगी, नए युवा संगठन को देना पड़ेगा, और जो वरिष्ठ नेता है जो लगातार मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते रहे उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल एक प्रश्न खड़ा होगा कि साहब विधानसभा चुनाव तो आप लोग सीनियर्स के नेता पे नाम पर लड़ा गया था, चाहे उसमें कमलनाथ हो, उसमें दिग्विजय सिंह हो, भूरिया जी हो, अरुण यादव जी हो, इन सबके नेतृत्व पर भी सवाल उठेगा कि साहब 29-0 ये बहुत बड़ी बात है, इस जरूर है कि लगातार सत्ता में नहीं आ पा रहे, उसके बाद लोकसभा में खाता भी ना खुले तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा और उसके पूरे संगठन पर, उसके पूरे सिस्टम पर, उसकी पूरी प्लानिंग पर, चुनाव की प्लानिंग पर सवाल खड़ा होगा और वो तमाम चीजें आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू होंगे, वो हमको चुनाव परिणाम के बाद देखने को मिलेगा। जी जी जी, कोमा जैसी स्थितियां, एक राजनीतिक कोमा जैसी स्थितियां बनती नजर आएंगी अगर इस पर हम बात करें। शरद सर, सवाल आपसे, और सवाल यही, एक थ्योरी या जिसे हम कह रहे हैं एक अनुमान, 26-3 जैसी स्थितियां बन जाए, कई सीटें ऐसी हैं जहां टाइट फाइट है, रतलाम उसमें से एक है क्योंकि कांतिलाल भूरिया का कद और काम करने का तरीका इस तरह का है, ग्वालियर को लेकर बात आ रही है, मुरैना को लेकर बात आ रही है, मंडला को लेकर बात आ रही है, कुल जमा 26-3 अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो क्या असर मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं पर और कांग्रेस के नेताओं पर? शरद सर। जी सर, जैसा भी बताया गया 26-3 या 29-0, मुझे तो नहीं लगता है कि इतना फासला होगा और कांग्रेस एक प्रकार से सफाया हो जाएगा। मुझे लगता है 4-5 सीटें कांग्रेस को मिलना चाहिए मध्य प्रदेश में। हाँ। क्योंकि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो ये जो मुद्दे हैं, हाँ, विकास के साथ साथ दूसरी तरफ ये मुद्दे बहुत
ज्वलंत है। हाँ। और जब से गृह मंत्री शाह जी ने ये कहा है कि जिन मंत्रियों के इलाकों में मतदान कम हुआ है या उनमें यदि बीजेपी को कोई क्षति होती या हारती है तो उस मंत्रियों पे इसका असर होगा, उन पे गाज गिरेगी। उसके बाद जो है जो मंत्री निष्क्रिय थे या जो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहे थे उन्होंने तेजी से काम किया, कार्यकर्ताओं से एकजुटता की अपील की और स्टार प्रचारकों का सहारा लिया गया मध्य प्रदेश में। इससे बीजेपी को थोड़ा सा लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन ये सोचना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा कि एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी और दो तीन सीट कांग्रेस को मिलेगी। जैसा कि सर्वे में बताया गया कि 6 से 7 सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली है, उसमें एक दो भले ही मान लें, एक दो इधर उधर हो सकता है, लेकिन गुत्ती शून्य का जो मामला मुझे तो जमता नहीं है। हाँ। क्योंकि कांग्रेस भी अपने आप को एकदम ये समझ लेना कि कांग्रेस एकदम खत्म हो गई है, कोमा में चली गई है या भारतीय जनता पार्टी का इतना ग्राफ बढ़ गया है कि वह उसके सामने कोई दल टिकेगा नहीं, ये मैं नहीं मानता। और जहां तक ये सर्वे हुए हैं, सर्वे कोई अंतिम निर्णय नहीं होते, हर बार कई बार सर्वे और तो अगर ये होता भी है, जोशी सर जैसा आप कह रहे हैं, अगर ये होता भी है, सीटें बढ़ती हैं कांग्रेस की भी चैनलों द्वारा या कांग्रेस की अगर सीटें बढ़ती भी है तो पटवारी और सिंघार ये दोनों मजबूत माने जाएंगे, मैदान से सारी जो विरोधी दल है विपक्षी पार्टियां साफ हो जाएगी जी। इस बारे में एकदम निर्णय कर लेना, विचार कर लेना कि कांग्रेस इस बार ऐसा लगता नहीं है। हालांकि शाह और मोदी फैक्टर काफी प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, विशेषकर झाबा में भी, चूंकि गुजरात से लगा हुआ ये इलाका है तो मोदी का भी असर इस इलाके में है और डॉक्टर शाह का असर भी इस इलाके में है, लेकिन इतना असर भी नहीं है कि कांग्रेस का एकदम सफाया हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है, हालांकि कम करके किसी को कतई आंकने वाली बात नहीं है और जैसा कि हमने कहा है कि कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद स्थितियां साफ हो जाएंगी। वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी आप नजरअंदाज कांग्रेस को कर नहीं सकते हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब हम भाजपा की बात करें और दक्षिण के वोटिंग बढ़ते हुए वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस का जो पैटर्न जो पारंपरिक वोट है उसके परसेंटेज को भी नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। प्रदीप सर फिर एक बार मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, बड़ी राजनीतिक बनावट और कसावट इस बीच बदली गई थी, जैसे मुख्यमंत्री बदल दिए गए, नई जिम्मेदारियां हो गई, इन सब के बीच बार बार मैंने दो पूर्व मुख्यमंत्री कहे पर मुझे उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, इन तीनों का भविष्य भी इस चुनाव से सीधे जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदीप सर जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, तीनों नेता जो हैं वो वरिष्ठ हैं और अपने दम पर मध्य प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं और राजगढ़ में बड़ा चुनौतीपूर्ण मुकाबले के अंदर दिग्विजय सिंह थे और बड़ी उम्मीद के साथ में उन्हें कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा था और ये उनकी तारीफ करना होगी कि उम्र के इस राजनीति के उम्र के उत्तरार्ध में उन्होंने जिस तरीके से कैंपेनिंग की है ये उनकी राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है और उनकी जो मैदानी पकड़ है उसको भी दिखाता है। और 3 पीढ़ी इस चुनाव पे प्रचार में थी उनके साथ में, उनके पुत्र जयवर्धन सिंह थे और पौत्र भी चुनाव प्रचार के दौरान मैदान में उतरे। कमलनाथ जी का बात करें तो छिंदवाड़ा के अंदर उनकी प्रतिष्ठा दांव पे थी, उन्होंने खुद कहा, एक एक सभा में कहा, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं में जाके कहा, जनसंपर्क के दौरान कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है और मैं आपसे 40 साल की अपनी सेवाओं का प्रतिफल चाहता हूँ। तो शिवराज जी जो हैं वो तो अपनी सीट पर मजबूत हैं और जीवंत संपर्क है उनका। हाँ। और मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर काफी सक्रिय रहते थे तो बहुत आश्वस्त हैं, तीनों आश्वस्त हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो वो छिंदवाड़ा को लेकर बहुत आश्वस्त है। अभी 2 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय जी ने बयान दिया है कि कमलनाथ जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं पर नकुलनाथ 1.5 लाख वोटों से हार रहे हैं। ठीक, तो एक दावा जो है वो सीट के ऊपर कम है। मैं एक रविंद्र सर का भी रिएक्शन ले रहा हूं, रविंद्र सर का भी रिएक्शन लेना है। रविंद्र सर एक फाइनल रिएक्शन, बीजेपी के जो नेता हैं जो नई जिम्मेदारियां मिली, चाहे वो वीडी शर्मा हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा को वो जो समिति बनाई गई थी एंट्री वाली समिति उसकी जिम्मेदारी दे देना और कैलाश विजयवर्गीय, क्या इन पर असर इन चुनाव परिणामों का? रविंद्र सर बहुत शॉर्ट में प्लीज।
यदि यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 29-0 होता तो इनका कद बढ़ेगा। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं लोकसभा चुनाव यदि 29-0 होगा तो उनका भी कद बढ़ेगा। उनके द्वारा जो समिति बनाई गई थी, चाहे उसमें कैलाश विजयवर्गीय हो, नरोत्तम मिश्रा हो, बीडी शर्मा हो प्रदेश अध्यक्ष, देखिए उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है लेकिन उनको एक्सटेंशन दिया गया। यदि वो लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं हो सकता है उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई स्थान मिले, बड़ा स्थान मिले। मध्य प्रदेश से दो सबसे बड़े दावेदार होंगे यदि केंद्र में मोदी सरकार बनती तो शिवराज सिंह और बीडी शर्मा, इनको केंद्र के मंत्रिमंडल में कोई बड़ा स्थान मिल सकता है। यदि 29-0 होता तो वाकई में इन लोगों का कद बढ़ेगा और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में भी एक नया संदेश जाएगा। ये देखना होगा कि चुनाव परिणाम किस तरीके के आते हैं, उसके बाद हम इस पर कर रहे हैं। कुछ घंटे बाकी हैं जैसा आप बता रहे हैं, कल इस समय तक सारा क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो कुछ घंटे के बाद जो स्थितियां बनेंगी दरअसल वो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के भविष्य की दशा और दिशा भी तय कर देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को डिकोड करने के लिए, पॉलिटिक्स को डिकोड करने के लिए। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि नतीजे कुछ घंटों के बाद आने शुरू हो जाएंगे खटाखट, और इससे पहले हमने आपको सियासत को पूरी तरह से समझा दिया ताकि कोई संशय आपको बचना नहीं चाहिए। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद।